Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning. आज मैं हूँ आपके साथ अनम काजमी और मैं हूँ सबाशी। आज जनाब जुमेरात है, 7 सितंबर है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें। वेल आज डे जो है वो हमारी गलत मेंशन है यहाँ पर, लेकिन आज जो है वो 28 सितंबर है और आज का दिन जो है उसमें बहुत सी अपडेट्स, बहुत सी खबरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं उन पर आज के शो में बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तो जो आज की अहम खबर है वो हम साग डार के हवाले से ही बात करेंगे। साग डार के ऊपर फर्द जुमायत कर दी गई है जिसके बाद उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है और अब सिचुएशन बहुत सी मुख्तलिफ होती चली जा रही है, जिसके बाद अब उन्हें जो है वो 4 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि दोबारा तलब भी किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर इल्जाम जो कमरा अदालत में लगाए गए उनको सरासर मुस्तरद कर दिया, उन इल्जाम की तरदीद की है। और कल हमने देखा कि बड़ा ही मुख्तलिफ माहौल जो है वो हमें नजर आया कमरा अदालत में। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहां पर मौजूद होते थे, लेकिन कल जो है वो मीडिया को भी रोक दिया गया और साथ साथ हमने देखा कि अंदर जब कोई कार्रवाई हो रही थी तो बाहर जो है वो तमाम लोग इंतजार में थे कि हमें बाहर आके अपडेट किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो माहौल था वो काफी मुख्तलिफ था और जो आम इससे पहले अदालत में कार्रवाई होती रही उसे काफी मुख्तलिफ दिखाई दिया। तो आज तो एक ये खबर है, इस हवाले से बातचीत की जाएगी क्योंकि अब फर्द जुमायत हो चुकी है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमें इस्तीफा जो है वो चाहिए साग डार का। इस्तीफे के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि जनाब मैं अब कुछ काम निपटाऊंगा जरूर, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। तो इस वक्त सिचुएशन ये भी है कि क्या अब जो खजाने की चाबी है वो हमारे वजीर खजाना इसहाक डार के पास रहेगी या नहीं, इस सब पर आज के शो में बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ और अहम इशूज हैं जिसके हवाले से सब अभी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, अहम इशूज में तो यही है कि जो आजकल मेन लीड्स हैं हमारे मुल्क में, समातों का शोर जारी है, हियरिंग्स पे हियरिंग्स हो रही है, कभी पीटीआई को बुलाया जाता है, कभी नून लीग उसके साथ में शामिल होती है। और अगर देखा जाए तो जो अहम खबरें रही वो इसहाक डार साहब के हवाले से रहीं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से रहीं, जिसमें अब यही सुनने में आ रहा है कि वापस लंदन जा रहे हैं और लंदन वापस जा रहे हैं और वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मजीद जो हियरिंग्स होगी, मजीद जो ट्रायल चलेगा, अब उसमें क्या करना है नून लीग ने, ये तो एक जो है वो मेन लीड रही। दूसरा अगर पीटीआई की जानिब से बात की जाए तो आज पीटीआई की भी समात है और इससे पहले भी पीटीआई के हवाले से काफी समात हो रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जो दस्तावेजात दी हैं उसमें काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है और उनकी जो वकला है वो जो केस है उनका असासा जात का जो केस है, फंडिंग केस है, उसमें इतने ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं अदालत को मुतमईन करने के हवाले से, तो इस हवाले से भी आज उनकी समात है। और दूसरी बात, अगर हम मजीद टॉप स्टोरीज की तरफ नजर डालें या खबरें दौड़ाएं, हम अपने ओवरऑल एक ओवरव्यू करें तो उसमें यही है कि जी एलओसी पे फायरिंग का सिलसिला जारी है, बैन अल-अक़वामी प्रेशर भी पाकिस्तान पे आ रहा है, कश्मीर का मसला भी है, रोहिंग्या का जो मसला है वो भी है, इन सब चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे, लेकिन शो में आगे चलकर मजीद खबरें शामिल करेंगे। अभी हम शामिल करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साग डार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, क्या खजाने की चाबी किसी और के हाथ जाएगी? साग डार के लिए मालूम ज़राए से ज्यादा आमदनी और असासे बनाने के इल्जाम में बेगुनाही साबित करना कितना मुश्किल होगा? इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला बुध को भी ना सुनाया जा सका, समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी, 11 अक्टूबर तक हाईकोर्ट ने फैसला ना सुनाया तो इलेक्शन कमीशन अपना हुक्म जारी कर देगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया। वाली कौमी टीम के खिलाड़ी बनेंगे गुड मॉर्निंग आज के मेहमान। तो ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबारात के हेडलाइंस पर। अच्छा जी, ये मेरे पास इस वक्त जंग है और जंग की जो मेन लीड है ये है करप्शन पर फर्दे जुर्म, डार का इनकार, दौलत में 91 गुना इजाफा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी जायदादों का इल्जाम, मौजूदा रेफरेंस में तफ्तीश किस हद तक मुकम्मल है, एहतसाब अदालत का ऐसा कहना है। हमने देखा कि इसहाक डार साहब के ऊपर
फर्द जुर्मायत की गई, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर उनका ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन उन्होंने सेहत जुर्म से जो है वो इनकार किया है। उन्होंने यही कहा है कि मैं प्रूव करूंगा और मैं ये बात साबित करूंगा कि मैंने जो भी मेरे ऊपर इल्जाम हैं, जो भी एलिगेशन है उसके हवाले से जो है मैं उनको क्लियर करूंगा। तो अब देखना यह है कि जो इनकी जो समात है, जो इनका ट्रायल है, उसमें ये अब किस हद तक मुतमइन होते हैं अदालतों को सबूत फराहम करने के लिए। तो ये जो है वो जंग की मेन लीड का हिस्सा है। बिल्कुल सनाम, सेम यही खबर एक्सप्रेस रोजनामा में भी आज लगाई गई है, लेकिन ये इशू वो है जिसको आगे चल के हम अपने शो में डिस्कस भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस खबर पर मजीद तफसील आपको भी देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज एक और अहम खबर जो कि सामने आ रही है वो है अपोजिशन लीडर के हवाले से। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ मुतहरक हो रही थी MQM के साथ, इस हवाले से रबते किए गए, मुलाकातें की गई, लेकिन अचानक से ही हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक अपोजिशन नजर आई जिसने बिल आखिर ये फैसला किया कि हम लोग इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, जबकि इससे पहले इत्तला आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अब इस पर भी काफी एतराजात शुरू हो गए हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ में तो मुखालफत चल ही रही है, लेकिन दीगर जमातों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान अपोजिशन लीडर बन जाते तो उनकी वैसे ही हाजिरी जो है इतनी कोई काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद जो अपोजिशन लीडर का किरदार है, क्या वो बाखूबी निभा पाएंगे अपनी इस आदत के साथ, जिस तरह से वो हाजिर नहीं होते असेंबलियों में, जिस तरह से बहुत सी मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, उसमें उनकी हाजिरी नहीं होती, और प्लस एक अपोजिशन लीडर का किरदार जो है वो बहुत ज्यादा यू कैन से कि एक मजबूत किरदार होता है, जिसमें आपको हर लिहाज से हर तौर पर अपनी जब भी बयानात देने हो उसके लिए बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो ऐसे में इमरान खान क्या सूटेबल इंसान है, इसके ऊपर भी अब एतराजात उठाए जा रहे हैं। तो जनाब एक तो ये खबर है, दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आज कहा जा रहा है कि वो लंदन रवाना हो रहे हैं। उनकी बेगम की कल रात अचानक ही तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अब उन्होंने वापस लंदन जाने का फैसला किया है। ठीक है, अच्छा आपने कौमी असम्बली के हवाले से बात की, आपने अपोजिशन के हवाले से बात की, तो इसीलिए जो है खुर्शीद शाह ने भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये भी एक बड़ी खबर थी कि खुर्शीद शाह ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि अपोजिशन लीडर लाने की जो है वो कोशिशें हो रही हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और साथ साथ उन्होंने जो नैब के चेयरमैन है उसके मामले पर भी वज़ीर आज़म से बात की, और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने कि जी अब तक मैंने कोई नाम फाइनल नहीं किया है। तो एक तो अपोजिशन लीडर का मसला, दूसरे नैब के चेयरमैन का मसला, इस खबर को जो है जंग ने भी अपनी मेन खबरों का हिस्सा बनाया। और खुर्शीद शाह ने अहम बयान दिया है, उन्होंने यही कहा कि अगर अपोजिशन लीडर बनाया जाए तो वह इमरान खान को बनाया जाए, शाह महमूद कुरैशी के मसले पे जो है PTI अंदरूनी खलफिशार का शिकार। बिल्कुल जनाब, यही सारी खबरें जो है वो आज अखबारात की जीनत है। उसके अलावा अगर कुछ मजीद खबरें शामिल करें तो एक LOC के हवाले से हमने कल भी देखा कि नक्याल सेक्टर के ऊपर भारत की जानब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उसका भरपूर जवाब भी दिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान के 11 शहरी इस वक्त शहीद हो चुके हैं। कल भी हमने देखा कि एक शहरी शहीद हुआ है, साथ साथ चार जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि भारत की जानिब से जारहत आए रोज होती रहती है, बयानात भी दिए जाते हैं, फिर क्या नाम है मुजाकरात की भी बात की जाती है, लेकिन LOC के ऊपर जो इस वक्त सिचुएशन है उसको ना तो अभी तक कंट्रोल किया जा सका है, ना ही उसकी उसकी जारहत जो है वो भारत की जानिब से रोकी जा रही है। तो ये खबरें भी जो है ठीक है। अच्छा, 2003 में ये मुआहदा हुआ था और उसके बाद इनके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के जो है एहतजाजी मरासला भी दिया गया और एहतजाज भी किया गया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, एक और यहाँ पर खबर ये है, और वो खबर जो है वो है सऊदी अरब के हवाले से, कि सऊदी अरब में जो है ख्वातीन को ड्राइविंग करने की इजाजत मिल गई है। और इसी हवाले से अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी बेटी जो है इवानिका, उन्होंने जो है मुबारकबाद दी है, उन्होंने कहा जी बड़ा अहम इकदाम है। और दूसरी जो एक और अहम खबर है वो खबर यह है कि पाक पतन में बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के 775वें उर्स की सालाना जो है तकरीबात का आगाज हो चुका है, और मुल्क भर से हजारों जायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, और 10 मुहर्रम तक ये जो है तकरीबात जारी रहेंगी, और 10 मुहर्रम के बाद जो एक दरवाजा होता है बहिश्ते दरवाजा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये आज की अहम खबर है, और सिक्योरिटी के जो है सख्त इकदाम किए गए हैं, बल्कि पूरे शहर में ही सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं, और इसी हवाले से हम मुख्तलिफ शहरों का हाल भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज यहाँ पर हमने शेयर करनी है, और वो खबर बड़ी अहम भी है, क्योंकि भारत के हवाले से हम हर बुरी खबर जो है वो तो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन एक इकदाम जो कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने उठाया उसके बारे में जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि दो पाकिस्तान के लिए उनके जैसे भी ख्यालात हैं, जैसे भी उनके मौकफ हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने 7 साल बच्ची को इलाज के लिए वीजा जारी कर दिया है। इसके ऊपर पहले बहुत से इख्तलाफ आ रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि अब तक उसको वीजा क्यों नहीं जारी किया गया, तो बिलाखिर उस लड़की को, पाकिस्तानी लड़की को वीजा जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है भारत की जानिब से।
चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। जैसे कि आज 7 मुहर्रम अल हराम है तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है उस हवाले से सबसे पहले हम रुख करेंगे पेशावर का, जिसे वैसे भी बहुत ही ज्यादा हसास करार दिया जाता है सिक्योरिटी की जब भी बात की जाए। तो इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जो है वो आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि शहर की सिक्योरिटी के लिए कितने पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं और शहर को महफूज बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी आमिर जमील अपडेट कीजिएगा। देखें पिशावर और इसी के साथ साथ सूबे के जो दीगर अजला हैं जिनमें कोहाट हंगू बनू डी खान मरदान चरसदा नौशहरा वगैरह शामिल है, उनके साथ साथ पिशावर को भी इंतहाई हसास करार दिया गया है और बताया गया है कि पिशावर की सिक्योरिटी के लिए खसूसी जो है इकदाम किए गए, जिनमें 10,000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जबकि पिशावर की जो सिक्योरिटी है उसको 3 लेयर्स में तकसीम किया गया है। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जा रही है वो कबायली इलाकों के साथ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी तौर पर चेक पोस्टें कायम की गई और जो गाड़ियां पिशावर से बाहर से आ रही हैं उनको बाकायदा तौर पर तलाशी और चेकिंग के बाद पिशावर में दाखिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पिशावर जहां पर जो इलाके जुलूसों की रूट में हैं या जो जो गुजरगाहें हैं वहां की सिक्योरिटी के लिए दूसरी लेयर बनाई गई है और उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए पूरे पिशावर को जो है वो सील कर दिया गया, खासतौर पर जो इलाके रूट के जुलूसों के जो गुजरगाहें हैं उनके करीब पड़ती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पिशावर के जो गेट्स हैं उनको लोहे के रॉड्स लगाकर उनको सील कर दिया और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से पिशावर में 4 कमांड पोस्टें कायम की गई हैं जबकि 1 सुप्रीम कमांड पोस्ट कायम की गई है जिसमें पुलिस के आला हुकाम जो हैं वो बैठे होंगे और सीसीटीवी कैमरेज के जरिए तमाम जुलूसों की निगरानी की जाएगी। सीसीपीओ पिशावर ने बताया है कि 100 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो सुप्रीम कमांड पोस्ट में लगाए गए हैं जबकि 25 के करीब कैमरे गुलबहार में लगाए गए हैं। ये यहाँ से भी जुलूसों को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जाएगा जबकि ट्रैफिक पुलिस के अलावा। आपका बहुत शुक्रिया। और पिशावर में तो सिक्योरिटी सख्त है, अभी देखा जाए तो थोड़े 11-12 घंटे पहले भी वहाँ पर जो है एक बम को नाकारा बनाया गया है और रिंग रोड पर वो बम नष्ट किया गया था और हेड्स ऑफ टू पुलिस के उन्होंने इस बम को नाकारा बना दिया वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। आगे बढ़ते और वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहां पर आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होंगी और कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रजाक मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी वसीम रजाक अपडेट कीजिए। जी अगर वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की आज बात करें तो इस्लामाबाद में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की। यहाँ पर आज इमरान खान नाहली केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। हनीफ अब्बासी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है रावलपिंडी से, उनकी जानिब से इमरान खान नाहली के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी और गुज़श्ता समाअत पर नईम बुहारी से जुमाइमा खान के अकाउंट्स के हवाले से और मनी ट्रेल के हवाले से जो एक खला है मनी ट्रेल में उसके हवाले से जवाब तलब किया गया था और नईम बुहारी के जो केस जो है एक लंबे अरसे तक मुलतवी करने की जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद की गई थी। इसके अलावा अगर शहर की बात करें सबसे कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में आज मुख्तलिफ किस्म की कमेटियां होंगी, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स की कमेटी होगी, फॉरेन अफेयर्स की एक प्रेस ब्रीफिंग भी आज होगी। सबसे आखिर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के मौसम की। इस्लामाबाद में आज धूप निकली हुई है, दिन के वक्त थोड़ी सी गर्मी होती है लेकिन रात के वक्त जो है मौसम कदरे चेंज हो चुका है। से हमें अपडेट कर रहे थे बहुत से हम केसेस की आज जारी और इमरान खान के केस के हवाले से जो आपने जिक्र किया तो डेफिनेटली आप लोगों को ये भी बता दें कि इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अल्टीमेटम भी दे दिया गया और उनका ये कहना है कि अगर हाईकोर्ट ने फैसला नहीं किया तो 11 अक्टूबर के बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। तो लेट्स सी कि इनके केस में हम मजीद क्या पेशरफ होने जा रही है। यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, मजीद भी कुछ स्टोरीज हैं जो शो का हिस्सा होंगी लेकिन यहाँ लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। कौमी टीम आज श्रीलंका के खिलाफ मैच में पंजा आसमाई के लिए तैयार है। बस कुछ ही देर बाद 11 बजे शाहीन अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में नजर आएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है और इस मैच की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहीन मिसबा और यूनिस की रिटायरमेंट के बाद कौमी टीम का ये पहला टेस्ट मैच है और सरफराज का भी पहला इम्तिहान है और पाक श्रीलंका सीरीज में ICC के नए कानून का कुछ देर बाद ही जनाब दोनों टीमों को आप एक्शन में देखेंगे। मिसबाह हक और यूनिस खान के बगैर सरफराज 11 की टीम आज कैसे परफॉर्म करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
मिर्जा साहब, आज के मैच के हवाले से आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज होने वाले टेस्ट मैच की सबसे खास बात यह है कि मिसबाउल हक और यूनुस खान के रुखसत होने के बाद ये पाकिस्तानी टीम का पहला टेस्ट मैच है। टीम कैसा परफॉर्म करेगी आज, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो मिसबाउल हक और यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख है। यूनुस खान ने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पाकिस्तान की जानिब से बनाए। मिसबाउल हक कामयाब तरीन कप्तान, तो यकीनन इन दोनों की अदम मौजूदगी से पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप को यकीनन नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप फैक्ट्स पर जाएं तो आप देखें कि 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया और इंग्लैंड के बाद जब टीम वतन वापस लौटी तो मिसबाउल हक को क्यादत की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। तो 2010 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जो 58 टेस्ट मैचेस खेले, मिसबाउल हक ने 56 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी तरीके से यूनुस खान ने 2010 से लेकर अब तक जो 55 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले और 58 जो टेस्ट मैचेस खेले, 55 टेस्ट मैचेस यूनुस खान ने खेले। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, इनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी। अब देखना यह है कि यंगस्टर्स में से कौन सा खिलाड़ी इनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, जो यकीन ये तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन सरफराज अहमद जो है, हम देख रहे हैं कि पहली बार इस बार टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम की क्यादत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि सरफराज, जैसे कि T20 हो या फिर वनडे हो, उसमें टीम को आगे लेकर चले हैं, क्या टेस्ट में भी मिसबाउल हक की तरह टीम को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकेंगे? देखिए, अगर सरफराज और मिसबा का आप मवाजना करें, मिसबा कूल माइंडेड कप्तान, कभी उनको टेम्पर लूज करते हुए नहीं देखा। उसके बरक्स अगर आप सरफराज को देखें, अभी जो वर्ल्ड 11 आई थी या इससे पहले जो मैचेस पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने कप्तानी की है वनडे मैचेस में, तो ऐसा लगता था कि बड़ा गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए। सरफराज को अपनी खामी पर काबू पाना होगा, वरना मिसबा बड़े कूल काम क्वाइट कप्तान थे जो इत्मीनान के साथ टीम को लेकर आगे चलते थे। सरफराज अहमद की सलाहियतों का इम्तिहान अब टेस्ट मैचेस में शुरू होगा, क्योंकि इम्तियाज अहमद, मोइन खान और राशिद लतीफ के बाद, वसीम बारी के बाद, वो पांचवें विकेट कीपर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। तो सरफराज के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है, उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा एज अ कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, क्योंकि 50 ओवर्स में तो वनडे में कप्तानी करनी होती है, लेकिन टेस्ट में अपनी हिकमत अमली को अख्तियार करना होगा, बहुत सारी चीजों को मुश्तमा करना होगा और साथ साथ अपने टेम्पर को भी कंट्रोल करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि सरफराज और मिसबा का मवाजना जो है वो सही नहीं है। सरफराज पहले अपनी सलाहियतों को प्रूव करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो मिसबाउल हक जो है काफी कूल एंड काम है, सरफराज जो है थोड़ा जारहाना है। अच्छा, यूनुस खान और मिसबाउल हक के हवाले से बात की जाए तो एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी साबित होते रहे, बैकबोन का किरदार अदा किया है। इन दोनों की शानदार कारकर्दगी ने पाकिस्तानी टीम को कई बार जीत की जो है वो राह हमवार की है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस दफा इन दोनों के बगैर ये मैच सरफराज यादगार बना सकेंगे? कितना प्रेशर होगा सरफराज पे? देखें, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो यूनुस और मिसबा जिस तरीके से वो खेले पाकिस्तान के लिए, और अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को लेकर चले, तो अब यंगस्टर्स के लिए दबाव तो होगा, लेकिन क्रिकेट खेल ही ऐसा है कि एक खिलाड़ी जाता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। जावेद मियाँ दाद गए तो इंजमामुल हक आ गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो। आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि मिडिल ऑर्डर में यकीन प्रेशर होगा, क्योंकि इन्होंने हारिस सुहेल और उस्मान सलाउद्दीन को शामिल किया है। हारिस सुहेल जो है वो 44 माह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हैं, सुनने में आ रहा है कि आज के मैच में उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शायद मौका फराहम किया जाए। तो जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो यकीनन दबाव का शिकार होगी। कल सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अजहर अली जो है वो वन डाउन पोजिशन पर बैटिंग करेंगे, जबकि चौथे नंबर पर असद शफीक आएंगे, तो पांचवें नंबर पर बाबर आजम के आने के इम्कान बड़े रोशन है। अब छठा नंबर किसे देते हैं, उस्मान सलाउद्दीन को खिलाते हैं या फिर उसके अलावा इनके पास जो हारिस सुहेल का चॉइस है, मुझे लगता है कि हारिस सुहेल को मौका देना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वक्त जो माहिरीन है क्रिकेट के, उनका ये भी कहना है कि ये मैच जो है वो यासिर शाह का मुकाबला रंगना हैरत करार दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि ये दोनों टीमें वैसे तो अपनी टीम को हमेशा ही पता दिलाती रही है, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है?
बिल्कुल ये सीरीज बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ यासिर शाह होंगे लेग स्पिनर हैं, जबकि रंगाना हेरत तजुर्बाकार बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। माजी में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो इन दोनों के दरमियान मुकाबला तो होगा। अब देखना ही कि विकटें कैसी बनाई जाती हैं। पहला टेस्ट मैच आज से अबू धाबी में शुरू हो रहा है, फिर दूसरा टेस्ट मैच 6 अक्टूबर से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा, जो डे एंड नाइट होगा। तो अब देखना ये विकटें कैसी बनती हैं। मुकाबला तो होगा और रंगाना हेरत बड़े तजुर्बाकार हैं, जिसका मैंने पहले भी कहा यासिर शाह यकीनन थोड़ा फिटनेस से अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब वो फिट होकर कल का टेस्ट मैच खेलेंगे, तो बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं मेरी जाती राय में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बर्तरी हासिल होगी, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रीलंकन टीम की अपने होम ग्राउंड पर भारत के खिलाफ रही है उसको देखते हुए मैं समझता हूं श्रीलंका के लिए मैच जीतना बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तानी टीम और उसके स्क्वाड और मैनेजर जो है बहुत ज्यादा पुरअज़्म है। अगर कौमी टीम के स्क्वाड की मैं बात करूं तो उसमें उस्मान सलाउद्दीन भी शामिल है और हारिस सुहेल भी शामिल है, और हारिस सुहेल को एक दफा फिर से मौका मिल रहा है अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए। अगर उन्होंने इस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो फिर आप हारिस सुहेल का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हारिस सुहेल की बात है, मैंने पहले भी आपको कहा कि 44 माह के बाद वो कोई फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं, और उनके बरक्स फवाद आलम के साथ सरासर ज्यादती की है। फवाद आलम ने इस अरसे में जब हारिस सुहेल नहीं खेले, गुज़िश्ता 2.5 बरस में 2199 रन 59 रन फी इनिंग्स की रन औसत से टेस्ट मैच में स्कोर किए। लोग समझ रहे थे कि मिसबा और यूनुस के रिटायरमेंट के बाद फवाद आलम को मौका मिलेगा, लेकिन हारिस सुहेल को सिलेक्शन कमेटी ने मौका दिया। इस तरह उस्मान सलाउद्दीन वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए थे शाहिद आफरीदी की कप्तानी में, लेकिन उसके बाद से वो किस्से पारीना बन गए। तो इन दोनों खिलाड़ियों पर दबाव बेपना होगा। अब देखना ये कि ये सिलेक्शन कमेटी जिसने इन पर एतमाद का इजहार किया है, उसके सिलेक्शन को किस हद तक दुरुस्त साबित करने में कामयाब होगा। अच्छा, वैसे एक बार ये भी बताएगा कि इस वक्त पाक श्रीलंका सीरीज में आईसीसी की जानिब से नए कवानीन का भी इतलाक हुआ। इन कवानीन में खिलाड़ियों को खराब रवैये के ऊपर रेड कार्ड देने के अलावा और मुख्तलिफ किस्म के जो कवानीन है वो शामिल किए गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं नए कवानीन को? देखिए, आईसीसी जो है वो दिन ब दिन तब्दीलियां करता जा रहा है कवानीन में। अब टेस्ट मैचेस के लिए उन्होंने नए कवानीन अडॉप्ट किए हैं, फुटबॉल का खेल बना दिया है कि जैसे फुटबॉल में जो रेफरी है वो खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज देता है, येलो कार्ड दिखाया जाता है, इस तरह से क्रिकेट में भी ले आए। आईसीसी करना क्या चाह रही है देखना ये पहला मौका है कि जब इस तरह के कवानीन का इतलाक हो रहा है, तो अब देखना ये कि कैसे इन कवानीन से निपटा जाता है, प्लेयर्स इनको किस तरह से देखते हैं। सरफराज अहमद ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बैट का साइज आईसीसी ने रखा है, हमारी टीम के तमाम खिलाड़ियों का साइज जो है वो आईसीसी के बयार के मुताबिक है। लेकिन अब देखना ये है कि बदतमीजी पर जिस तरह आपने कहा कि आया मैं उनको बाहर भेज देते हैं अंपायर के नहीं, अंपायर को अथॉरिटी दी गई, बहुत सारी चीजें एडजस्ट कैसे करते हैं। आज पहला दिन है इस टेस्ट मैच, ठीक है, आज पहला दिन है मैच का और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। मिर्जा इकबाल बेग सीनियर एनालिस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे और आज के मैच के ऊपर ही वो अपना तजिया पेश कर रहे थे। तो ओवरऑल आज बड़ा जमके खेलना है, कूल काम होके खेलना है, सरफराज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि मिडिल ऑर्डर को आज चलना है, क्योंकि आज अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलता है तो फिर ये बात फिर से एक दफा साबित हो जाएगी कि फिर हमें और बैट्समैन की जरूरत है, हमें और वर्कआउट करने की जरूरत है हमारी बैटिंग के ऊपर। और हारिस सुहेल के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष, और अगर यासिर शाह आज के स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट विशेष, और बाबर आजम ने भी कह दिया कि वो भी खुलकर और जमकर खेलेंगे। बिल्कुल जनाब, और टीम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली हमारी और तमाम क्रिकेट शायकीन की हमारी टीम को बहुत सारी बेस्ट विशेष, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरफराज के लिए क्योंकि ना तो मिसबा उल हक होंगे और ना ही यूनुस खान होंगे। और अगर हम बैटिंग लाइन की पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों नाम ऐसे हैं जो कि बैकबोन करार दिए जाते हैं, यूनुस खान और मिसबा उल हक, लेकिन अब इनकी क़यादत के बगैर टीम किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये आज बहुत बड़ा चैलेंज है सरफराज के लिए। तो आज मैच जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि क्या किस तरह से जो है वो सरफराज की कप्तानी में ये टीम खेलती है। आगे बढ़ते जनाब और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से। इंतहाई अफसोसनाक ये मनाजिर हैं जो आप आज की स्क्रीन पर देख रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से। रोहिंग्या मुसलमानों का ये बुहरान थमता हुआ नजर नहीं आता है, रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ मुसलसल नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। म्यांमार की हुकूमत क्या कर रही है, आंग सान सूची जी क्या कर रही हैं, वहाँ की मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावर में है, कहा जा रहा है कि जंगबंदी कर दी गई है, कहा जा रहा है कि उनको इंसाफ दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि उनको कौमी धारे में ढाल लिया जाएगा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ साथ उनकी नस्लकुशी भी जारी है। दूसरी जानिब जनाब, भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को आबाद करने के लिए भी मुजाहरे किए जा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं जनाब और सऊदी अरब से एक अच्छी खबर। सऊदी अरब में ड्राइविंग की इजाजत मिलने पर खवातीन खुश हैं और इसे बड़ी तब्दीली भी करार दे रही हैं, जबकि ड्राइविंग के लिए मर्द जो हैं वह हजरात की जो शरह है वो इस वक्त काफी ज्यादा है। खवातीन कारकुन मजीद तब्दीलियों के लिए पुरुमीद हैं, जबकि सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की बाकायदा इजाजत मिलने में अभी कई माह बाकी हैं। तहम खवातीन ने अभी से फ्रंट सीट संभाल ली है, जबकि खवातीन हकूक की कारकुनों का ख्याल है कि फैसला तब्दीली की जानिब एक बड़ा कदम है, मजीद फैसलों की भी तवक्को की जा पूरी दुनिया से इस इकदाम को सराहा जा रहा है और उनके बादशाह ने ये फैसला किया। जो अहम और मजेदार खबर थी वो थी ड्राइविंग के हवाले से, और मुझे ये भी पता है कि सऊदी अरब के अंदर जब खवातीन ड्राइविंग करती थी उनका चालान भी काट दिया जाता था, तो अब ये फ्रंट सीट संभालने का बेड़ा उन लोगों का। अच्छा, ड्राइविंग से एक और चीज भी मुझे इंटरेस्टिंग याद आई कि सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को गाड़ी गिफ्ट की है और तकरीबन 1 करोड़ से जायद की वो गाड़ी है, मतलब उसकी जो कीमत है 1 करोड़ से जायद है, और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को गिफ्ट किया और वो दोनों तवील अरसे तक एक दूसरे के साथ जो है खेलते रहे और वीरेंद्र सहवाग ने तस्वीर शेयर की और शुक्रिया अदा किया सचिन तेंदुलकर का। तो गाड़ियों की बात हो रही है, ड्राइविंग की बात हो रही है, तो मैंने सोचा ये खबर भी शेयर करूं। बात कर रही है तो बातों से बात निकल रही है। वसीम के साथ जो केस हो रहा है वो भी मेरा ख्याल है सबको पता ही है कि लड़की के साथ पिक्चर्स कुछ ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी जो सफाई में बहुत से अल्फाज और बहुत से बयान दी दिए हैं, माफ कर दी गई है। नेदरलैंड से ताल्लुक है उन खातून का जिनके साथ उनकी पिक्चर्स आई है। लेट्स सी इमाद वसीम और कितना जो है वो कामयाब होते हैं अपनी सफाई देने के लिए। तो अगर सेलिब्रिटीज हैं तो फिर इस तरह की चीजें तो होती आती ही रहती है। पहले नहीं निकली हमारी माहिरा खान पर इतनी तनकीद हो चुकी है, अब इमाद वसीम के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, तो हमारी कौम को बड़ा पेशेंस इख्तियार करना चाहिए। हर एक की पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं उसका इश्यू एटलीस्ट नहीं बनाना चाहिए। कर लेंगे यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं विफाकी वजीर खजाना साकदार के हवाले से, जिन पर कल फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और उन्होंने एहतसाब अदालत के तमाम इल्जाम को मुस्तरद भी कर दिया है, जबकि अदालत ने जज के तमाम जो इल्जाम थे वो एक एक करके पढ़ के सुनाए उन्होंने जज साहब ने, लेकिन उन्होंने जो है वो हर इल्जाम की तरदीद कर दी। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी हो, बैंक अकाउंट हो, असासे हों या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम फर्द जुर्म में शामिल किए गए हैं। इसाकदार के खिलाफ बाकायदा ट्रायल का आगाज 4 अक्टूबर से होगा। क्या इसाकदार अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का दिफा अदालत में भरपूर तरीके से कर सकेंगे या नहीं, इस पर दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख का तायुन हुआ तो उसके दूसरे दिन ही मियां साहब के समदी इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद हो गई। इसहाक डार की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सूरत हाल गैर मामूली थी। कमरे अदालत का माहौल माजी के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ था। समात काफी गैर मुनज्जम थी, बहुत ज्यादा रश की वजह से धक्कम पेल भी नजर आई। वजीर खजाना इसहाक डार को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर काफी देर इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें पीछे के दरवाजे से अदालत ले जाया गया। इसके अलावा साफियों को भी कमरे अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। समाज शुरू हुई तो जज ने इसहाक डार को कठेरे में बुलाया और इल्जामात पढ़ के सुनाना शुरू किए। वजीर खजाना ने तमाम तर इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया और अदालत को बताया कि वो बेगुनाह हैं और नैब के तमाम इल्जामात सरासर गलत हैं। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के बाद इसहाक डार कठेरे से नीचे आए और उनके वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। ताहम नैब प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तिखाजा के 2 गवाहों को तलब और इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि मालूम जराए से ज्यादा आमदनी और असासे बनाने के इल्जामात का विफाकी वज़ीरे खजाना इसहाक डार अदालत में किस तरह दिफा करेंगे, क्योंकि अब इन पर फर्दे जुर्म तो आयद हो ही चुकी है और वो बाकायदा मुलजिम भी बन चुके हैं, तो अब इन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द शो सर, आपका आवाज आ रही है। अच्छा, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है, एक बार फिर से उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसहाक डार के हवाले से बातचीत हो रही है। तो डेफिनेटली इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है नून लीग के ऊपर, और नून लीग के जो तमाम तर कारकुनान हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आए रोज कोई ना कोई केस हो रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पिछले हम लोगों ने शो भी इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे और उसके बाद अब इसहाक डार जो है वो कल पेश हुए और उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, तो इस तमाम तर सूरत हाल में कितना मुश्किल है उनके लिए अपने आप को डिफेंड करना इस वक्त
तक हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, एक बार फिर से लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल खैरियत से। ठीक, अच्छा इरफान साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि साग दाग पर बिलाखिर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब 4 अक्टूबर से बाकायदगा ट्रायल का आगाज होगा। इन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल होगा साग दार के लिए उन इल्जाम का दिफा करना? देखिए, इनके खिलाफ जो इल्जाम इस रेफरेंस में है वो तो रेफरेंस है एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम का। जी जी, और वो जैसे हमने अखबारों से और खबरों से सुना है कि उनको वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी भी सप्लाई कर दी गई है और अब उन्होंने वो सारी चीज को रीजनेबली एक्सप्लेन करना है कि ये साफ़त जात जो उन्होंने बनाए ये वैलिड सोर्सेज से हैं। तो अब जो सारा ओनस है वो तो अब इसहाक डार साहब पे इस वक्त होगा ना जी, कि वो ये चीज एक्सप्लेन करें और वो उनका क्या मौकफ होगा वो तो अभी आना है। तो बजायर ये काफी मुश्किल होता है जब इस तरह का केस बन जाए और एसेट्स बहुत ज्यादा हों और बहुत ह्यूज हों तो उसकी एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब मुझे जो प्रिसाइज फैक्ट्स हैं उस रेफरेंस के चूंकि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिटेल से कॉमेंट नहीं कर सकता और मैंने वो फैक्ट्स मेरी नजर से भी गुजरे भी नहीं है। लेकिन ये मुझे पता है कि ये एसेंशियली उन्होंने ये कहा कि इनके एसेट्स जो हैं वो 90 गुना बढ़ गए हैं जब से इन्होंने आगाज किया था जिंदगी का, उससे लेके अब तक कोई 90 गुना इनके एसेट्स बताया जा रहा है। जी हाँ जी हाँ जी जी, अच्छा इनके 90 गुना जो है वो एसेट्स बढ़ चुके हैं, तो इस हवाले से मजीद अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं एसेट बियॉन्ड मींस का जो है ये केस है, तो अगर तहकीकात की जा रही है नैब की जानिब से तो 14 इनके ऐसे असासात हैं जिनको मेंशन किया गया है और 14C का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि इतनी सख्त दफा का लगाना क्या बहुत ज्यादा ठोस सबूत है इसहाक डार साहब के हवाले से इन लोगों के पास, नैब के पास? देखिए, अब इसका जवाब हो जब अपना क्या मौकफ अख्तियार करते हैं, इनमें से कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो मानते हैं या नहीं मानते। अगर सपोजिंग वो उन प्रॉपर्टीज को नहीं मानते, वो कहते हैं मेरी नहीं है जी, तो फिर तो ओनस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन पे, फिर प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि नहीं इनकी है। क्योंकि जरदारी साहब का जो अभी रिसेंटली केसेस आए थे उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो उन्होंने उस पर इनकार किया था और चूंकि प्रोसिक्यूशन अपना ओनस डिस्चार्ज नहीं कर सकी थी जी, तो वो रेफरेंस क्योंकि उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है ना कि नहीं वो प्रूव करेंगे और सेहत जम से भी उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो ये पूरी कार्रवाई और ये मुकदमा बिल्कुल लड़ूंगा और मैं प्रूव करूंगा। अच्छा, तो बस फिर मेरा ख्याल है कि वो अब वो क्या मौकफ लेते हैं ज्यादा चीजें उस पर डिपेंड करेगी। जब तक उनका मौकफ सामने ना आ जाए तो जब तक हम उनके मौकफ का मुवाजना ना करें इन रेफरेंसेस से तब तक कुछ भी मेरे लिए कहना जो है ना जी वो कबल अज़ वक़्त होगा। बहुत शुक्रिया आपका, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसहाक डार साहब के हवाले से बात कर रहे थे, उनके जितने भी पेशी है उनके इस ट्रायल के हवाले से बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, मैं डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं पीटीआई के चेयरमैन खान के खिलाफ तौहीनी अदालत केस की समाअत शुरू हुई, तो पीटीआई की जानिब से बाबर अवान की बजाय वकील शाहिद गोंदल पेश हुए और मौकफ अपनाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर रखी है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया कि अगर 11 अक्टूबर तक अदालत ने फैसला ना किया तो इलेक्शन कमीशन हुक्म जारी कर देगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनाया गया ये अब 12 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि इमरान खान और एमकेएम के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं जिसके ऊपर काफी तनकीद भी हो रही है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए पीटीआई पिछले कई दिन से मुतहरिक। बिल्कुल सनाम, शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनकी क्यादत में पीटीआई वक्त ने एमकेएम के आरजी मरकज का दौरा भी किया। दोनों जमातें जो है वो इस वक्त कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर मुत्तफिक हो गई है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के हवाले से एक स्टोरी दिखाते हैं और उसके बाद हमारे साथ वीडियो लिंक पर जो है वो मौजूद, इनफैक्ट अभी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सलमान खानी साहब। वेलकम टू द शो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला नहीं सुनाया और केस की समाअत अब 12 अक्टूबर तक मुलतवी भी कर दी गई है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ क्या फैसला आ सकता है? पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अलमिया ये है कि अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के सियासी जमातों के जिम्मेदारान जो सियासी मामलात हैं वो अदालत में ले गए हैं, जिसकी वजह से एक नई सूरत हाल तारी हुई है। जमहूरी मुल्कों और माशरों के अंदर एक बंदोबस्त होता है पार्लियामेंट के अंदर,
जब इस तरह के तनाजात होते हैं तो उन तनाजात का हल भी पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है, और ये रुझान इमरान खान साहब लेके आए हैं एक नया ट्रेंड कि इमरान खान साहब सियासत में आए थे तो एक पॉजिटिव चीज़ जो थी कि पाकिस्तान की नौजवानों के अंदर वो कशिश रखते थे, लेकिन धंधा सियासत के नतीजे में उन्होंने जो तर्ज अमल अख्तियार किया है उससे पाकिस्तान में एक महाजराई कशमकश और तनाव की सूरत हाल तारी हुई है। अब वो खुद टारगेट हैं, खास तौर पे इलेक्शन कमीशन के अंदर उन पर जो तौहीन अदालत की एक कार्रवाई है, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर अदालत कोई फैसला नहीं सुनाएगी तो वो सुनाएंगे। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप एसेट होती है जमहूरियत और जमहूरी अमल और जमहूरी माशरों में, अगर तो ये फैसला कोर्ट सुनाती है तो यकीनन कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा उसकी स्पिरिट के मुताबिक, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह का कोई फैसला सुनाएगा तो एक नई सूरत हाल तारी होगी, इससे एक नई कश्मकश की फजा बनेगी। मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के हालात जो मामला जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैसला कौन सुनाता है डिपेंड करता है, इलेक्शन कमीशन सुनाते हैं या कोर्ट सुनाते हैं। अच्छा, इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए, इससे पहले भी कई दफा ये सवाल उठ चुका है कि अगर इमरान खान साहब जो है मुर्तकिब हो जाते हैं और वो पेश नहीं हो पाते, वो पेश नहीं कर पाते तमाम एविडेंस को, पार्टी उनका वैसे ही टूट फूट का शिकार है, तो तहरीके इंसाफ को कोई बड़ा धचका लगेगा, कोई सेटबैक हो सकता है? देखें, जहां तक ये सवाल है कि जी तौहीन अदालत के अगर इमरान खान मुर्तकिब होते हैं तो उनकी पार्टी को कितना धचका लगेगा, मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब की मिसाल सबके सामने है कि एक अदालती अमल के नतीजे में कि उन्हें नाहल करार दिया गया, और आज भी देख लें कि अदालती नाहल नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, उनकी पार्टी उसके साथ खड़ी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पॉलिटिकल मामलात हैं, ये पॉलिटिकल मामलात अगर पार्लियामेंट के अंदर तय कर लिए जाते तो बेहतर होता। जहां तक है कि इमरान खान अगर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। देखिए, वो तो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब जब पीछे हट जाएंगे तो उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर एक एसेट की हैसियत रखती हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो वाकईतन तो इन्हें अदालत के मुतलिब होते हैं तो उनकी किस हद तक के पजीराई रहेगी। मेरे जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि शायद वो कैफियत तहरीके इंसाफ में तारी ना हो जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तारी है, और इसकी वजह नवाज शरीफ साहब की क्यादत है कि उन्होंने तो साबित किया है। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई में ये मामला जो है वो हमारे पार्लियामेंट में तय होने चाहिए थे, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चूंकि बीच में आ चुका है, बहुत से केसेस के तहत हमने अदालत का रुख अख्तियार कर लिया है, तो वो केस भी जो है वो मुख्तलिफ रुख अख्तियार कर गए हैं और डेफिनेटली पावर पर भी एक धचका पड़ा है। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे थे कि अभी रिसेंटली इमरान खान ने भी कुछ दिनों पहले इंतखाबात प्री इलेक्शन का जो है वो मुतालबा किया है, तो इसे बाकी जो तमाम तर सियासी जमातें उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया, जबकि मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई है सर? इमरान खान साहब को एक क्रेडिट जरूर दें कि वो नित नए इश्यूज खड़े करके मीडिया में इन रहते हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा भी इसीलिए किया है, और वो इस वक्त जब वो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं तो सबसे अहम बात खुद उनके लिए है कि पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इस पर तनकीद करनी थी, खुद पार्टी के अंदर से उनके इस मुतालबे की तायीद नहीं हुई, और सबसे पहले तो यही कहा गया कि एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं। अभी तक परवेज खटक साहब ने उनके इस मुतालबे की तायीद नहीं की। मेरा ख्याल उन्होंने मीडिया में अपने रोल के हवाले से और खास तौर पर खबरों में इन रहने के लिए ये मुतालबा किया है, और ये मुतालबा वो उस वक्त करने जा रहे हैं जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी जमातें नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रही हैं। मैं ये समझता था कि शायद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी संजीदा होगी आइंदा इलेक्शन के लिए, लेकिन जो आम इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, ये मुतालबा तो गालिबन उनका 2014 से चलता आ रहा है, और अब भी इस मुतालबे की कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पॉलिटिकल कोई इसको वजन मिला है। तमाम पार्टीज ने इसकी मुखालफत की है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो जिस मुतालबे का जिक्र कर रहे हैं उस मुतालबे को खुद तहरीके इंसाफ मुतालबा किया है प्री इलेक्शन का, उसको तमाम सियासी पार्टीज ने तनकीद का निशाना बनाया, और साथ साथ सवाल भी किया जा रहा था नून लीग की जानिब से कि अब प्री इलेक्शन का जो मुतालबा किया जा रहा है उनके मुताबिक पनामा केस का मामला वो यहाँ तक ले आए हैं, फिर शायद खकान अब्बासी जो हमारे वजीर आजम है उनके ऊपर कोई खास एलिगेशन नहीं है, तो फिर ये मुतालबा जो है बेसूद मुतालबा है। अच्छा, इमरान खान के सब के ऊपर अगर तौहीन अदालत साबित हो जाती है तो फिर पीटीआई का अगला स्टांस क्या होगा, ऑप्शन क्या रह जाएगा पीटीआई के पास? जहां तक ये बात है कि अगर इमरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई होती है तो उनकी पार्टी आगे कोई कानूनी चाराजोई करेगी,
तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो सियासतदान होता है उसकी एक जिंदगी नहीं, उसकी 10 जिंदगियां होती हैं। बिल्कुल। अगर आप उसे नाहल भी करार दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपना कोई ना कोई रोल बना लेता है। बिल्कुल। याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब को भी अहल करार दिया गया था, लेकिन वो तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं कि पोलिटिकल पार्टीज को और खास तौर पर सियासी जुम्मेदारान को एक कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूती के लिए उन्हें जुम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए, और अदालती कार्रवाई के नतीजे में अगर कोई सियासतदान नहल होता है तो आप उसका सियासी रोल खत्म नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब, वैसे तो मैं ये कहने में कोई बात नहीं कि वो तो खुद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवा रहे थे कि जो गड़ा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा है, मैं नहीं चाहता कि उसमें केसेस का सामना है और दोनों को ही मुश्किलात का सामना भी है साथ साथ। लेट्स सी कि कौन कितना कवर अप करता है, ओवरकम करता है। सलमान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और करंट सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ेंगे और अब ये वक्त आ चुका है 10 बजे के बाद वो टाइम होता है कि जब हमें भूख लग जाती है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, कुछ खाने पीने की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, लेकिन आज की रेसिपी बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज की रेसिपी जो है वो हमने बनाई है ओरियो से, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी है। और मजे की बात यह है कि अक्सर रेसिपीज जो हम देखते हैं वो कहीं बेक हो रही होती है, कहीं पे उनको ग्रिल किया जा रहा है, कभी कुछ होता है, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो बहुत स्पेशल है, वो है जनाब नो बेक चीज के। तो बगैर बेक किए आप चीज के किस तरह बना सकते हैं वो भी ओरियो से, आइए देखते हैं। जबरदस्त, क्या जबरदस्त रेसिपी है ये ओरियो से जो बनाई गई है। और जब भी ओरियो की बात आती है ना तो मुझे एक तो ये आपने देखा कि हमने किस तरह से चीज केक बनाया है, लेकिन इसके अलावा ओरियो का अगर शेक बनाए तो भी बड़ा अच्छा बनता है। आपने कभी ट्राई किया इससे? जी हाँ बिल्कुल, मुझे शेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और चॉकलेट फिर उसमें शामिल होती है और फिर उसके अंदर जिस तरीके से उसका टेस्ट आता है बहुत ज्यादा डिलिशियस लगता है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, खास तौर पर जब जब आपको ब्रंच करना हो या हल्की फुल्की भूख लगी हो। वैसे इसको आप अक्सर जब फूड ट्रैफल के ऊपर भी डालें तो भी बड़ा अच्छा लगता है। वेल ट्राई कीजिएगा और फिर हमें भी बताइएगा, फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक पर गुड मॉर्निंग आज के पेज पर। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी आपको बताते हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध की बहादुर खातून नाजु धारेजो की जिंदगी पर मबनी फिल्म माई प्योर लैंड को ऑस्कर के लिए नामजद कर लिया गया है। नाजु धारेजो सूबा सिंध के जिला नौशेर फरोज के एक छोटे से गांव की खातून है जिन्होंने 2012 में मीडिया में शोहरत पाई। नाजु धारेजो दरमियाने उम्र की खातून है जिन्होंने वडेरों और मुसल्ला कब्जा माफिया से अपने आबाजदाद की जमीन की हिफाजत की। बिल्कुल जनाब, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है सरमद मसूद के मुताबिक उन्होंने फिल्म के मरकजी किरदार
किरदार के लिए बहुत से लड़कियों के ऑडिशंस भी किए थे, लेकिन उन्हें कोई लड़की जो है वो पसंद नहीं आई। फिर किसी दोस्त ने उन्हें नाजू दरेजू की ही शहर की जो एक अदाकारा है उनकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखते ही उन्होंने कहा कि यार ये लड़की है जिसको मैंने अपनी फिल्म में कास्ट करना है। तो माई प्योरलैंड के लिए ये इनका जो सुहाई आबरू है उनका इंटरव्यू जो है उसके जरिए ये सामने सारी सूरत हाल आई, जिसके बाद अब इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया है। बड़ी जबरदस्त ये मूवी है, पहले इसका ट्रेलर दिखाते हैं। फिल्म का ट्रेलर तो आपने देख लिया है और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। इस फिल्म में जो सुहाई आबरू है उनकी एक्टिंग बड़ी कमाल दिखाई दे रही है। और अब इस फिल्म की हीरोइन से भी बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद है, और उन्हीं से जो है वो इस फिल्म के हवाले से मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि माय प्योरलैंड की ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इस फिल्म में काम करने पर मजबूर किया? माय प्योरलैंड की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक सच्ची कहानी थी, ये ड्रामा नहीं था। जो कुछ भी हुआ था सच में हुआ था, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये सब सच में हुआ हो। एक लड़की ने अकेले अपने घर की हिफाजत करने के लिए 200 बैंडिट से लोगों से मतलब डट की लड़ाई की हो, उनसे उनका सामना किया हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ ये देखना कि इस पूरी कहानी में कितना ज़्यादा मतलब ड्रामा है, लेकिन एक्चुअली ड्रामा नहीं है, ये सब कुछ सच हुआ था। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत इंस्पिरेशन थी एक औरत होते हुए ख़ास तौर पर। तो इसलिए मैं अच्छा ये भी बताएं कि ये फिल्म जो है दरेजू की कहानी पर मबनी है और इस किरदार को निभाना वैसे भी बड़ा मुश्किल काम था, आपने ये सब कुछ किस तरह किया, कैसे तजुर्बा रहा आपका? ये किरदार वाकई बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बात थी गन्स चलाना, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं चलाई, ना मुझे उनकी आवाज पसंद है और ना मैंने मेरे घर में कोई चलाता है, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मुझे उसकी आदत डालनी थी, मुझे गन्स चलानी थी, मुझे सीखनी पड़ी। और बाद में जब मैंने मूवी देखी तो मैंने देखा सरमद मसूद जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने जिस तरह उसको पूरा दिखाया है उसमें बिल्कुल मुझे घिन नहीं आई गन्स की। और नाजो ने एक दफ़ा भी किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए या किसी को कत्ल करने के लिए गन्स नहीं उठाई, उसने सिर्फ अपने घर की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी माँ की, अपनी बहन की हिफाजत के लिए, उनको डराने के लिए चलाई गन्स। और मुझे ये चैलेंज अच्छा लगा, मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं करूँगी। उसके अलावा हमारी जो शूट थी वो काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि हम लाहौर के एक छोटे से गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिल्कुल कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उस शिद्दत की गर्मी में अप्रैल के महीने में हम कर रहे थे शूट, और ये सारा काफ़ी मुश्किल रहा। लेकिन हम सब ने बहुत मेहनत की और पूरी ईमानदारी से काम किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्क्रिप्ट इतना जानदार था और एक अच्छे एक्टर के लिए कितनी भी मुश्किल शूट्स हो, कितना भी मुश्किल स्क्रिप्ट हो, उसको काम करने में मजा आता है। और सरमद मसूद की तो मेहनत अब रंग ले आई है क्योंकि उनकी ये जो फिल्म है ऑस्कर के लिए भी नामजद हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? सरमद की ये फिल्म माई प्योर लैंड हम सब की फिल्म नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेट नहीं हुई ऑस्कर के लिए लेकिन ब्रिटेन ने उसको सबमिट किया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में। सो ब्रिटेन ने सबमिट किया है, ये सिर्फ सबमिशन हुई है, ऑफिशियल सबमिशन हुई है जो कि बहुत बड़ी बात है। सो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात अच्छा, है। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद वाले से कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि क्रिकेट शायकीन के लिए कुछ खबर है तो वो भी जरूर आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त है और श्रीलंका टॉस जीतकर बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो करेगा बॉल फर्स्ट, और सरफराज अहमद पर उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी आउट कर लेंगे और ओवर कम करेंगे, टीम जो है बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, हमारे साथ सुहाय मौजूद है और सुहाय से हम बातचीत कर रहे थे उनकी मूवी के हवाले से। सुहाय, अगर ये फिल्म ऑस्कर जीतने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक नए दौर में चली जाएगी, तो आप ये बताएं कि इस तरीके से आगे के रोल्स मजीद करेंगे आप? इंशाल्लाह अगर ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात होगी, और ख़ास तौर पे हमारे जो इसमें इतने खूबसूरत एक्टर्स थे सारे, हम में से कोई भी कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं, हम में से कोई भी स्टार नहीं था जिन्होंने इस फिल्म में काम किया कि मतलब स्टार वैल्यू की वजह से फिल्म बड़ी हो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम में से जैसे मेरे फादर जो बने थे तनवीर हुसैन साहब, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, और
पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए कि वो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, और ऐसे एक्टर्स को काम मिलना चाहिए। और मतलब ऑस्कर्स इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन उससे पहले भी ऐसे एक्टर्स को, उनको अहसन मुराद जो मेरे चाचू बनते हैं, इन सारे लोगों को, सरबत मसूद जिन्होंने इतने टैलेंटेड हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई, जो भी इस टीम में है वो सब ऑस्कर। अच्छा, बाप ऐसे हैं तो बेटी होगी डेफिनेटली, और हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे इस मूवी के लिए। ये बताइए कि इस फिल्म को जब आप करने जा रही तो डेफिनेटली नाजू धरेजू के किरदार के हवाले से आपने खुसूसी तौर पर पढ़ा भी होगा, उनको परखा भी होगा, कैसा किरदार था उनका, कैसी शख्सियत थी उनकी? इस फिल्म को करने के लिए नाजो बनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और नाजो से मैं मिल नहीं सकी थी, लेकिन मैंने उनसे फ़ोन पे ज़रूर बात की थी, और मैंने सरमद मसूद उनसे मिले हैं, उन्होंने उनसे काफ़ी बातचीत की है, और उन्होंने भी मुझे बहुत उनके बारे में बताया, उन्होंने मुझे बहुत मदद की उनकी शख्सियत में आने के लिए, और मुझे यही लगा कि वो खातून कितनी ज़बरदस्त है, वो कितनी एक खूबसूरत खातून है, कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो एक औरत भी है और वो अपनी औरत होने पे खुश है, वो जैसी हैं वो वैसी हैं, और वो आगे लड़ती भी हैं, मतलब वो इस तरह नहीं कि क्योंकि मैं औरत हूँ मैं औरतों के कपड़े पहनती हूँ। ठीक है, हमारे प्योरलैंड की इस वक्त हमसे बात नहीं है, और उनको ये करेक्टर करके बहुत मजा आया, तो आप सोचे कि नारू धरेजो जो है वो कितनी जबरदस्त खातून होंगी, और ये इटली से हमारे साथ ही, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप लोगों को यहीं पर इस वक्त टेलीविजन के साथ स्टिक रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे चैंपियंस हमारे साथ, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से चैंपियंस हैं, जिनसे आपको मिलवाएंगे, जो कि स्क्रैबल के लिए पाकिस्तान से बाहर जो है वो नॉटिंगम के अंदर वहाँ पर अपने इस चैंपियनशिप को जीत कर आए हैं, पाकिस्तान के नाम इन्होंने 5 अवार्ड्स किए हैं। एक ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आपको जिक्र कर लेते हैं जूनियर वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप का, जिसमें कौमी टीम ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। कौमी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के शहर नॉटिंगम में होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्रैबल चैंपियनशिप की 6 में से 5 कैटेगरीज में जो है वो वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। अहमद रियाज अंडर 19, सुहेब सनाउल्ला अंडर 16, हमजा नईम अंडर 14, इमाद अली अंडर 12, जबकि मुनस खान ने अंडर 10 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बने। साबिक वर्ल्ड यूथ चैंपियन मुइजुल्ला बेग चैंपियनशिप के रनर अप रहे। जब ये खिलाड़ी लंदन से कराची पहुंचे तो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के अहदेदारान और बच्चों के वालदेन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल करना बनता भी था, और आज ये खिलाड़ी बने हैं गुड मॉर्निंग आज के मेहमान। तो आइए नन्हे मुन्ने बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सबको देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत कर आए। सबसे पहले आहत आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं कि जब आप लोगों को पता चला, एक पूरा प्रोसेस होता है स्क्रैबल का कि जी इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और फिर अब सिलेक्शन में जाएंगे और ये सारे स्क्रैबल खेलने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त कितनी खुशी हुई थी कि जी हम इस कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट हो गए और अब हम जा रहे हैं नॉटिंगम और we have to do something for our country? जी, तो हमारा जो एक प्रोसेस होता है पूरा क्वालिफायर का, हाँ, वो होता है जून के अंदर, हाँ, जून जुलाई के अंदर, तो काफ़ी सख्त मुकाबला होता है उसमें, और स्पेसिफिक पोजीशन होती हैं, हाँ, इसके लिए टीम का सिलेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है जब उसमें क्वालिफाई किए थे तो बहुत एक्साइटेड थे, और मेहनत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हमने उम्मीद रखी हुई थी कि मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह जाके वहाँ अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस जो हो सकती है वो दे सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और प्लेयर्स में आपस में भी जिस तरह का बॉन्ड है जो पिछले 2-3 सालों में हम लोग खेलते आ रहे हैं उससे, तो काफ़ी असर होता है, उससे काफ़ी मज़ा भी आता है खेलने में। अच्छा, सुहेब भी हमारे साथ हैं, और सुहेब हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं शो में, उन्होंने मुझे बताया था कि हम जा रहे हैं जनाब कंपटीशन के लिए, तो आप लोग दुआ कीजिएगा, और बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, क्योंकि आप लोग फाइनली वो कंपटीशन जीत आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 6 में से 5 अवार्ड इस वक्त हम पाकिस्तानी लोगों के पास है, हमारे पाकिस्तानी चैंपियंस के पास है, सुहेब भी उनमें से एक है। सुहेब, ये बताइएगा कि ओवरऑल ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहा पाकिस्तान की जानिब से, आपने पाकिस्तान को वहाँ जाकर रिप्रेजेंट किया, फिर अवार्ड आप लेके आए, एक विनिंग फील किस तरह की है सर? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की अपनी खुशी होती है, क्योंकि अपने मुल्क का नाम रोशन करना, हाँ, किसी भी शहरी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो हमने जब बाहर जाके जीता तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि हम पाकिस्तान के लिए जीत के आए थे, सबसे इम्पोर्टेंट ये था, सही है, तो हम पाकिस्तान के लिए जीते, बहुत खुशी होती है, प्राउड फील करते थे अपने आप। ठीक है, अच्छा प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, इमाद साहब जो है काफ़ी चुप चुप बैठे हुए हैं,
इमाद, ये बताएं कि जब आप लोग गए थे वहाँ पर स्टेबल खेल रहे थे, तो आप लोगों के मतलब सर से बते क्वार्टर्स होते होंगे, ग्रुप्स की सूरत में आप लोग खेल रहे थे या इंडिविजुअल आप लोगों को कपल्स कपल्स की सूरत में फिर वहाँ पर खिला रहे थे? जी हम इंडिविजुअल खेल रहे थे और इसमें हमने पूरे पाकिस्तान की टीम थी, ऐसे हम दूसरे मालिक की टीम थी। सही, तो जब जिस टाइम पे स्क्रैबल विन कर गए, जीत गए, तो उस टाइम पर फिर क्या जज्बात थे? उस वक्त बहुत खुशी हुई क्योंकि हमने मुल्क का नाम रोशन किया, जो उसका बहुत बड़ा हॉनर है। सही, और हम उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे थे, इसलिए हमें खुशी हुई जब वो पे ऑफ। चलिए, जबरदस्त जनाब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और आई होप कि आप लोगों का वेलकम भी यहाँ पर बड़े जबरदस्त अंदाज में होगा। इस वक्त नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से भी हमारे साथ कुछ चैंपियंस मौजूद है, हमजा और मुनिस। हमजा, पहले आपके जाने मांगे, ये बताए जब वापस आए अम्मी अबू ने किस तरह से वेलकम किया कि मेरा बेटा जीत कर आ रहा है? कैसे? बहुत खुशी हुई उन लोगों को, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी, मुझे तो बहुत मजा आया। पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था जाके खेलने का। अच्छा, पहले पाकिस्तान में क्वालिफाई किया, फिर वहाँ जाके खेला, बहुत एक्साइटमेंट। ये डबल खुशी थी ना कि पहले पाकिस्तान के प्रोसेस को आपने कंपाइल किया, यहाँ क्वालिफाई किया, फिर जाके आपने वहाँ पे जाके चैंपियनशिप विन की। अच्छा, यहाँ पर मुनिस जो है वो साथ में बैठे हुए हैं, और मुनिस आप चुप चुप रहते हैं या आप आज गुड मॉर्निंग आज में बड़े चुप चुप बैठे हैं, क्योंकि हल्की हल्की मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे आ रही है। अच्छा, ये बताएं जब आप स्क्रैबल खेल रहे थे, कॉम्पिटिशन उसका विन करने जा रहे थे, उस वक्त कुछ लग रहा था मुश्किल उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, बड़ी कोई मुश्किल स्पेलिंग आ गई है, बनाना मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसा था? मुश्किल तो नहीं लगा था, क्योंकि अल्लाह पे बिलीव था। दुआ करी थी कि अल्लाह ताला मदद करेंगे, और मैं पहले भी टाइटल जीत चुका हूँ। अच्छा, पहले भी टाइटल जीत चुके बारे में हम अपने जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि अंडर फाइव मतलब जो ये सबसे ज्यादा इस वक्त छोटे हैं, जो कि फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, और इन तमाम में सबसे ज्यादा छोटे हैं, आप कौन से उसमें क्वालिफाई किए थे? अंडर टेन में। तो ये जनाब सबसे छोटे हैं इस वक्त। अच्छा मुनिस, ये बताइएगा कि कितनी प्रैक्टिस की थी आपने? अभी तो आप इनमें से सबसे ज्यादा छोटे हैं, तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि इतने बड़े बड़े मेरे साथ प्लेयर्स जा रहे हैं, तो पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, ऐसी टेंशन थी आपको? नहीं, टेंशन थी, और कार्ड बॉक्स करा था और मेहनत करी थी ताकि हम अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करके आए, पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए। अच्छा, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, सब लोगों को बहुत खुशी है, आपका यहाँ पे वेलकम भी बहुत जबरदस्त हुआ है, पाकिस्तान ने भी आपका वेलकम किया। लेकिन एक चीज आप सबसे मैं मुश्तरका पूछना चाहूंगी, जब स्क्रैबल हम लोग खेलने जा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि भाई हमें क्वालिफाई करना है, आगे जाना है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? कौन कौन बैठ के वोकैब्स याद करता है, कौन कौन बैठ के जो है वो इंग्लिश को पढ़ रहा होता है, वर्ब्स को देख रहा होता है और सारे वर्ड्स देख रहा होता है? हमजा हसरत है, हमजा आप बताएं। मेहनत तो हम इस गेम में करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, इस गेम से वोकैब्स भी हमारी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत वर्ड्स अच्छे होते हैं। मैक्सिमम एक दिन में वोकैब, जब स्क्रैबल आप खेल रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे वोकैब्स पता लग जाए, तो एक दिन में कितनी सारी वोकैब्स आप लोग पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं? एक दिन में तो मैं इस तरह नहीं, जब हमारा कोई टूर्नामेंट आने वाला होता है तब उसके करीब करने लगते हैं, वरना हम अपनी पढ़ाई को भी ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस वक्त मुझे लग रही है, माशाल्लाह कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, और जो भी इनसे पूछे जा रहे हैं कितनी एब्रप्टली उसका आंसर भी कर रहे हैं। अच्छा सही, आपकी जानिब में आना चाहूंगी, और आप लोग नॉटिंगहम गए, आपके साथ मजीद कोई 70 प्लेयर्स और थे, सबसे ज्यादा टफ टाइम किसने दिया? सबसे ज्यादा टफ टाइम यूएसए ने दिया, वो जीता भी था। अच्छा, जीता ऐसे ही तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टफ टाइम 21 जीता है ना यूएसए, तो अंडर 21 जीता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी टीम्स थी, कहाँ कहाँ से आए हुए थे? पूरी दुनिया से थे सारे? पूरी दुनिया से थे, ट्रिनिडेड टोबैगो तक से लोग आए हुए थे। सही। अच्छा, पहले हम लोगों को भारत को हरा के बहुत खुशी होती थी और अभी भी होती है, लेकिन अब यूएसए हारता ना तो और ज्यादा खुशी होती है, मुझे डबल खुशी होती है। अच्छा आज आपसे मैं बात करूंगी, आज ये बताएं कि स्क्रैबल चैंपियनशिप इसको आप प्रोफेशनली आगे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बच्चे जो स्टूडेंट्स स्क्रैबल खेलते हैं, यूजुअली हमारी फैमिलीज में तो यही कहा जाता था जी आपने स्क्रैबल खेलना है आप खेल लें, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं है, अब क्या देखते हैं सूरत हाल चेंज हो गई है, स्क्रैबल प्रोफेशन बन सकता है? जैसे कि आपको मैं अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो स्क्रैबल इज़ ऑन द राइज इन पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुई है और बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। लास्ट ईयर भी हमारे पास कुछ वर्ल्ड चैंपियंस थे, इस साल भी हैं, तो जब बच्चे देखते हैं कि एक ऐसा गेम है जहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप अपनी कंट्री को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन दें, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, प्लेटफॉर्म बहुत जी। तो अभी इनफैक्ट हमारी इंटर स्कूल चैंपियनशिप होती है जहाँ से हम बच्चे शॉर्टलिस्ट करते हैं जो आगे जाके क्वालिफायर्स वगैरह खेलते हैं, तो इस साल हमने ऑलमोस्ट 1200 टू 1300 स्टूडेंट्स आए थे, जो एशिया का लार्जेस्ट स्क्रैबल टूर्नामेंट हुआ। दैट्स रियली ग्रेट। और उसकी अच्छी बात ये थी कि वो ऑर्गेनाइज हमारे यूथ प्लेयर्स ने किया था जो आगे जाके खुद क्वालिफाई करते हैं। अगर एज ए प्रोफेशन बात करें तो
लोग करते हैं परस्यू. इनफैक्ट हमारे जो नेशनल चैंपियन है वसीम खत्री, ही इज एन 8-time नेशनल चैंपियन. His job is a Scrabble coach. वो ही टी इससे ये भी पता चलता है ना कि हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है. जितने ज्यादा लोग स्क्रैबल की तरफ आते हैं उससे आपका लिटरेसी रेट जो है वो आप हिसाब किताब लगा सकते हैं. तो अच्छा, इमाद भी बैठे हुए हैं. इमाद ये बताएं, जब आप स्कूल में थे तब से स्क्रैबल खेल रहे हैं या फिर आपने स्कूल के साथ साथ ही बचपन से ही मतलब स्क्रैबल कंटिन्यू किया हुआ? जी, मैं बचपन से खेलता था. पहले हमने पेरेंट्स वगैरह के साथ खेलता था, भाई के साथ भी खेलता था. फिर स्कूल वालों ने हमें इनकरेज किया और स्कूल में हमें रुकवाए खिलवाते थे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी और इनकरेज किया टूर्नामेंट्स में. अच्छा, इस वक्त हमजा भी हमारे साथ है. हमजा, ये जानना चाहेंगे हम आपसे, वैसे आपको जब भी मैं देख रहा हूँ मुझे मेरा छोटा भाई याद आ रहा है वो भी आप ही की एज का है, बहुत छोटे से ही है. अच्छा, ये बताया कि आगे आप लोगों का कोई और कंपटीशन, कोई और चैंपियनशिप आ रही है जिसके अंदर प्लान है आपका? आगे हमारा और टूर्नामेंट जीतने का तो प्लान है, क्योंकि इस खेलने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है. और बहन भाइयों के साथ खेलते होंगे? जी, बहन भाई मेरे खेलते हैं, कजन्स भी खेलते हैं, सब खेलते हैं. मैंने बेसिकली गेम स्कूल से अपने शुरू किया था. जैसे अभी आहद ने बताया कि वो हमारे नेशनल चैंपियन है वसीम खत्री, वो हमें कोच करते हैं हमारे स्कूल में. तो उनका भी थैंक्स मैं करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से. क्या बात है, क्या बात है जी. मुनिस साथ में, मुनिस आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप जो है ना मुझे बहुत बॉस टाइप वाले जो बच्चे होते हैं ना वो लगते हैं. यस, बेबी बॉस. हाँ, मैं कर लूंगा बॉस बेबी, बॉस बेबी. लेकिन खैर मेहनत भी बहुत लगती है इसमें. मुनिस ये बताएं, जो स्किल पे आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल वाले आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नेशनल लेवल पे, आप जाके इंटरेस्ट शो करते हैं कि हाँ मुझे टीचर मुझे स्क्रैबल खेलनी है, और फिर वो आपको देख के फिर आपको इस तरीके से रजिस्टर करते हैं? किस तरीके से प्रोसेस हुआ कि आप क्वालिफाई किए पहले पाकिस्तान में फिर उसके बाद बाहर? बेसिकली तो तारिक अंकल हैं, वो पहले एक टूर्नामेंट पहले क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको जो बच्चे इंटर स्कूल में सेलेक्ट होते हैं वो खेलते हैं. जैसे इस बार दो डिफरेंट कैटेगरीज थी. अच्छा, इस बार टॉप 20 प्लेयर्स गए थे. ओके, तो उनमें से आपको क्वालिफाई होना था ताकि आप जा सकें. मुझे ये बताएं कि स्क्रैबलिंग के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट है? फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है. चलिए, अच्छा आपसे मजीद भी बातचीत करेंगे. एग्जीबिशन में मीडिया से गुफ्तगु कर रहे थे जिसमें उनके साथ साथ टर्की के कौंसल जनरल भी मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि वो ये जो एग्जीबिशन कर रहे हैं इसके हवाले से अवेयरनेस देना चाह रहे हैं. और अब एक नई डेवलपमेंट होने वाली है, मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो है पूरे पंजाब में और लाहौर में उसका आगाज होने वाला है. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चैंपियंस, स्क्रैबल के चैंपियंस, और ये सारे नन्हे मुन्ने सितारे, ये सारे जो है वो पाकिस्तान के हीरो हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग गुड मॉर्निंग आज में आए, और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज. आप ऐसे ही स्क्रैबल में नाम कमाते रहें और आगे जाते रहें, और आप लोगों की जितनी भी वो कैब्स हैं वो सबसे ज्यादा हो जाएं, और सबसे ज्यादा चैंपियनशिप जो है वो आप ही के पास है. बिल्कुल जनाब, आप लोगों के आगे आने वाले तमाम प्लान्स के लिए, तमाम गोल्स के लिए आपको बेस्ट विशेज देना चाहेंगे, साथ साथ आपकी स्टडीज के लिए भी. इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है. इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ और कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ. टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड कीप वॉचिंग. Good morning, guys.